अभी अभी सूचना मिली है कि आपके पुत्र ने यज्ञशाला में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ दिया है। शिव धनुष को तोड़ दिया है? हाँ, और उसकी रक्षा के लिए जितने सैनिक थे उन सब का भी उन्होंने संहार कर दिया है। सारे नगर में कृष्ण की जय जयकार हो रही है। सबको विश्वास हो गया है कि यही हमारा तारणहार है। मैया, हम सब आपसे क्षमा मांगने आए हैं। आज तक जो हमने आपको कष्ट दिए हैं वो अपनी इच्छा से नहीं, उस पापी के डर से। हम उसके हर आज्ञा पालन पर विवश थे। बहुत निडर हो गए तुम लोग, बहुत निडर हो गए। ये भूल गए कि मथुरा पर आज भी महाराज कंस का राज है, और ये भी भूल गए कि राजद्रोह का दंड कितना भयानक होता है। ले जाओ इन्हें और काल कोठरी में बंद कर दो। निश्चय ही इनके जीवन के दिन पूरे हो गए हैं। ले जाओ। मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए। भगवान के लिए मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए। वह अकेला होगा, उसके पास और है ही कौन? उसके माता पिता भी बंदी गृह में है, और बाकी चारों ओर शत्रु ही शत्रु है। उस अकेलेपन में वो मुझे बहुत याद करता होगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए मुझे अपने कान्हा के पास। यशोदा माता, तुम चिंता ना करो, हम उसे अकेले नहीं रहने देंगे। हमारे होते हुए कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। नंद बाबा, आप हमें जाने की आज्ञा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। अभी अभी सूचना मिली है कि आपके पुत्र ने यज्ञशाला में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ दिया है। शिव धनुष को तोड़ दिया है? हाँ, और उसकी रक्षा के लिए जितने सैनिक थे उन सब का भी उन्होंने संहार कर दिया है। सारे नगर में कृष्ण की जय जयकार हो रही है। सबको विश्वास हो गया है कि यही हमारा तारणहार है। जिसकी सबको प्रतीक्षा थी वो आ गया है। इस बात का महाराज को पता चला? अवश्य चला होगा, परंतु आप चिंता मत करो, अब महाराज कुछ नहीं कर सकते। सारी जनता कृष्ण के साथ है। महाराज ने यदि उन्हें हाथ भी लगाया तो सारे नगर में बलवा हो जाएगा।